जुनवानी रोड स्थित ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर्स एवं न्यूज स्टाफ के लोग मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल के हेड ऑफिस में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत ही शुभ दिन है ये, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में आज संविधान को हमने स्वीकार किया था, उसे लागू किया था और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस संघर्ष से आज़ादी हासिल की थी, जिन मान्यताओं को जिस सोच के साथ भारत को आगे ले जाने की सोच उन्होंने रखी थी, उसी अनुसार संविधान का निर्माण हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और तमाम जितने भी उस समय के बड़े नेता थे, उन सब के अथक प्रयासों से ये संविधान बना और हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे लचीला और सबसे मजबूत संविधान हमारा है। और आज गणतंत्र दिवस के दिन उन सभी नेताओं को मैं नमन करता हूँ और हम प्रण लेते हैं कि अपने संविधान को, अपने भारत के गणतंत्र को बचाए रखने के लिए हर संभव हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, जो कि हमारे विश्व के बेहतरीन संविधानों में से एक है। आज जो सौभाग्य की बात है, गणतंत्र दिवस पर सरस्वती माता का भी पूजन होता है और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस, दोनों एक साथ होना ही सौभाग्य की बात है। और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, छत्तीसगढ़वासियों को मैं गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ये अपील करता हूं कि इस दिन का मान रखते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए इसी पे अपना जीवन आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं ग्रैंड न्यूज़ के पूरे फैमिली को और उनके सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साथ में भिलाई वासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को, जितने उपस्थित यहाँ पे मेम्बर्स आए, उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं हर साल गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं इन लोग, ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और उसमें सभी कास्ट के लोग मिलजुल के आगे रहते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। हम पूरे लोगों को जोड़ने के लिए त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, हमारे जो जितने त्यौहार हैं उनसे बढ़कर पहले स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये त्यौहार नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। मैं पूर्ण सबको, एशियन न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इस अवसर मुझे आमंत्रित किया है। धन्यवाद।